मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्राइड वेजिटेबल सूजी इडली। तो ये इडली हम सूजी से बनाएंगे। ये नाश्ता खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी हरी सब्जियां डालेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रभास्कर की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो हमने एक कटोरी भर करके सूजी ले लिया है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी वाली या फिर मीडियम साइज की जो आती है उसी भी ले सकते हैं। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है आधा कप दही। ये थोड़ा सा खट्टा दही है, एक दिन पहले का दही है, इसे मैंने अपने घर में बनाया था। थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो मैंने जितना दही लिया था उतना ही पानी इसके अंदर हम डाल देंगे और पहले इसे मिक्स करेंगे। आवश्यकता होगी तो भी इसके अंदर हम और पानी डालेंगे। तो इसे हम मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसे मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसके अंदर। हमें इतना पानी डालना है जिससे सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल जाए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो बस और पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर हम, और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे सूजी हमारी फूल जाए। तो जब तक सूजी हमारी फूल रही है तब तक इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए मैंने गैस पर तड़का पैन रख दिया है। तो तड़का पैन में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। इसे हम गर्म होने देंगे और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने। ये काली सरसों के दाने हैं, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। आँच को हमने धीमा रखा है और इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच चने की दाल, आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 10 से 12 करी पत्ता, मैंने इसे छोटे टुकड़ में काट लिया है, 5 से 6 पिंच हमने हींग लिया है। ये सारी चीज़ें हम तेल के अंदर डाल देंगे। इसे चम्मच से मिला लेते हैं। हल्का सा ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है तेल में। तो तड़का हमारा तैयार हो गया है। गैस को बंद करेंगे और इसे हम सूजी के अंदर डाल देंगे जिसे मैंने भिगा करके रखा है, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तड़का लगाने से इडली हमारी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और सूजी भी हमारी फूल चुकी है। तो अब हम इसके अंदर कुछ हरी सब्जियां डालेंगे। हमने 1 शिमला मिर्च काट करके रखा है, इसे इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और 1 गाजर को मैंने काट करके रखा है, इसके भी मैंने छोटे पीसेस किए हैं। आपके पास जो भी हरी सब्जियां हैं आप डाल सकते हैं। 1 प्याज, इसे भी मैंने छोटे पीसेस में कर लिया है। 1 चम्मच कटी हुई हरी धनिया, इसे डाल देंगे। 1/4 चम्मच हमने नमक डाला है इसमें। बहुत ज़्यादा नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इडली को हम खाते हैं तो चटनी के साथ खाते हैं, तो चटनी में भी नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा नमक हमें इसमें नहीं डालना है। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी हमें और डालना है इसके अंदर। करीब 1/2 कप पानी इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक इसे हम ढक करके रख देते हैं। तो चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल गई है और इसके अंदर ये सारी सब्जियां, नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो हम इसकी इडली बना लेते हैं। मैंने गैस पर इडली बनाने के लिए इडली मोल्ड रखा है और इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है। तो जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है हम इडली बनाने के लिए इसका मोल्ड जो है इसे तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसे चिकना करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे। तो हम बैटर के अंदर 1 पैकेट इनो पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर आप डाल सकते हैं इसके अंदर।
होगा तो इसमें पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, आधा चम्मच करीब, जिससे ये फॉर्मेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे हैं, इससे इडली हमारी अच्छी सी सॉफ्ट बनेगी, फूली फूली बनेगी। तो बस एक ही डायरेक्शन में इसे हम मिक्स कर लेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद हमें इसे रखना नहीं है, फटाफट इडली बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मोल्ड को हम पानी के ऊपर रख देंगे, इसे हल्का सा गर्म कर लेंगे। तो पानी हमारा अच्छी तरीके से गर्म है, तो बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो अब हमें इसके अंदर इस बैटर को डालना है, जितना आसानी से आ जाए इसे हम भर लेंगे इसके अंदर। तो एक बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है, क्योंकि ये फूलेगा तो और भी बड़ा होगा, तो और ज़्यादा हमें नहीं डालना है। इसी तरीके से सारे मोल्ड को हम भर कर तैयार कर लेते हैं। दूसरी प्लेट भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, और इसे भी हम भर देंगे। तो हमने पूरे मोल्ड में इडली के बैटर को मैंने अच्छी तरीके से भर दिया है, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। तो आज को हमने मीडियम रखा है, और इसे 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि हमारी इडली कैसी बनी हुई है। तो 12 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम ढक्कन को हटाते हैं और इडली को चेक करते हैं। तो इसे हम चेक करेंगे कि इडली हमारी स्टीम हो गई है या नहीं। तो हम एक फोक लेंगे, आप टूथपिक भी ले सकते हैं, चाकू भी ले सकते हैं, और हम इसे इसके अंदर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, फोक हमारा बिल्कुल क्लीन है, इसमें बिल्कुल भी बैटर नहीं चिपका है। तो इसका मतलब इडली हमारी बहुत अच्छी तरीके से स्टीम हो गई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इडली हमारी ठंडी हो गई है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं, और इसे हम चाकू से किनारे से इस तरीके से निकालेंगे, और बहुत आसानी से निकल जाती है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इडली हमारी निकल गई है, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम इडली हमारी बनकर तैयार हुई है। तो इसे हम प्लेट में रख लेते हैं। तो आप इसे अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, मैंने धनिया टमाटर की चटनी के साथ इसे रखा है। तो इसे करी पत्ता से और नारियल के भूरे से गार्निश करते हैं, और हमारी बहुत ही टेस्टी स्पंजी वेजिटेबल रवा इडली बनकर तैयार हो गई है। आप इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं, आपने देखा इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से इसे बनाइए, खाइए, और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी इडली कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।